हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो Y28 5G में किस तरह से स्मार्ट कॉल की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जायसवाल, आप देख रहे हो टेक्निकल आरजीएम। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट कॉलिंग के बारे में, आप अपने मोबाइल में स्मार्ट कॉलिंग कैसे ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आना होगा सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन ये मिलेगा, आपको अंदर आना होगा। यहाँ पर मिलेगा शॉर्ट कॉन्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, तो इस सेटिंग को आपको ओके करना होगा। फिर इसमें आएगा स्मार्ट मोशन, तो स्मार्ट मोशन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे स्मार्ट मोशन पे आप क्लिक करोगे, दूसरा ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें भी आएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन स्मार्ट कॉलिंग, तो स्मार्ट कॉलिंग पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक करते हो, सबसे पहले स्मार्ट कॉलिंग का सबसे पहला वाला स्विच ऑन कर देना है। चलिए पहला स्विच ऑन कर दिया। अब दूसरा आपको मिलता है इसमें स्मार्ट एंसर। दोस्तों स्मार्ट एंसर का अगर स्विच आप ऑन कर देते हो तो आपके मोबाइल पे कॉल आता है, तो आपको कॉल वाला रिसीव करने के लिए बटन नहीं दबाना पड़ेगा। आप सीधे अपने मोबाइल के कान पे टच कीजिए, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। दूसरा दिया है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच ये है दोस्तों, अगर आप स्पीकर पे बात कर रहे हो अकेले में, अगर कोई आपके पास आ गया तो सीधा आप मोबाइल अपने कान पर लगाइए, आपका मोबाइल साइलेंट मोड में हो जाएगा, आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो। तीसरा दिया है स्मार्ट म्यूट, यानी कि आप अपना मोबाइल साइलेंट करना चाहते हो, पांचों पंजा रख दीजिए, साइलेंट हो जाएगा। तीसरा दिया है वे टू हैंड फ्री, यानी कि आप अपने मोबाइल को अचानक आपके मोबाइल पे फ़ोन आया है, आप उसको हैंड फ्री करना चाहते हो, पांचों पंजा एक बार अपने मोबाइल के आगे से आपको घुमाना होगा या हाथ घुमाना होगा उसके ऊपर से, तो आपका मोबाइल हैंड फ्री हो जाएगा। यानी कि आप मीटिंग में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, इस तरह से पंजा घुमाने के बाद आपका मोबाइल स्पीकर पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।